नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्ट्रीट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऑसम लेक्चर करंट अफेयर की सीरीज में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जुलाई महीने के रिमेनिंग करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों, मैं आपके लिए जुलाई महीने के ऊपर दो लेक्चर बना चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में और नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि जुलाई महीने में अकर हुए थे। आज के लेक्चर में दोस्तों, हम बात करेंगे चार इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में, जैसे कि स्कीम्स जो जुलाई महीने में लॉन्च की गई हैं, चाहे फिर हमारे सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो जुलाई महीने में हुए थे। उसके बाद दोस्तों, हम लोग बात करेंगे बैंकिंग और फाइनेंस की जो इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हैं जो जुलाई महीने में घटित हुए थे। और आखिरी में हम लोग बात करेंगे डिफेंस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये चार सेक्शंस को हम दोस्तों अच्छे से कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सारे करंट अफेयर को याद कर सकें। दोस्तों, ये जो लेक्चर सीरीज है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका रिविजन करवाया जा सके, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद करवाई जा सके। तो प्लीज एंड प्लीज, मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि इस लेक्चर के दौरान आप नोट्स बनाने पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने फुल अटेंशन के साथ इस लेक्चर को सुनें और इसी लेक्चर को दो से तीन बार देखें। बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न दी इवेंट्स। हर चीज याद होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, ताकि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो मैं बता रहा हूं, आप एक सक्सेसफुल एस्पायरेंट के तौर पर उभर के आएंगे। इसी करंट अफेयर की सीरीज पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं, 150 क्वेश्चंस, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और जान सकते हो कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ मूविंग अहेड, दोस्तों ये जो लेक्चर है वो सारे एस्पायरेंट जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, या फिर कोई भी स्टेट पीएससी हो, जैसे कि एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, हर कोई इस लेक्चर को देखकर लाभ उठा सकता है। यहां पे मैंने सारे करंट इवेंट को फैक्चुअल कवर किया है और यहां पे आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं और क्विक रिविजन कर सकते हैं। सो प्लीज फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन लर्निंग, ठीक है दोस्तों। अब हैविंग सेड दैट, अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों, यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक गुप्ता, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है मैनेट भोपाल से। दोस्तों, उसके अलावा मैंने यूपीएससी मेंस दो बार लिखा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने लर्निंग एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है उससे आपको फायदा पहुंचा सकूं और आपको एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पर उभार सकूं। यही मेरा एक अटेम्प्ट है और यही मेरी कोशिश है। सो प्लीज एंड प्लीज, आप पूरे अटेंटिव होके इस लेक्चर को देखिए और लर्न करने की कोशिश कीजिए। अब हम आज के लेक्चर्स को शुरू करते हैं विद दी स्कीम सेक्शन, मतलब सबसे पहले हम योजनाओं के बारे में जानेंगे। सो लेट्स हेड ऑन टू इट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम चार सेक्शंस के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे जो जुलाई महीने से रिलेटेड है। सबसे पहला सेक्शन है स्कीम्स। तो स्कीम्स में, स्कीम्स वाला जो सेक्शन है उसमें सबसे पहला करंट अफेयर ये है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने अनाउंस की है एक स्कीम जिसका नाम है कन्या वन समृद्धि योजना। यानी इसमें जो सबसे पहले दो शब्द हैं वही आपको आइडिया दे देंगे, एक तो कन्या और दूसरा वन। कन्या यानी गर्ल या वुमेन, और वन का मतलब हो गया आपकी जो ग्रीनरी होती है, प्लांटेशन, एफॉरेस्टेशन, उससे रिलेटेड। तो कन्या वन समृद्धि योजना ये लॉन्च की है महाराष्ट्र ने। ये इस स्कीम का मेन एम है कि जो औरतें होती हैं उनको एम्पावर किया जाए और ट्री कवर जो होता है या प्लांटेशन होता है उसको प्रमोट किया जा सके। इस स्कीम के तहत ये किया जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी भी फैमिली में दो गर्ल चाइल्ड होती है तो उनको 10 सैपलिंग्स दी जाएंगी। 10 सैपलिंग्स ऐसी वेराइटी ऑफ पेड़ों की जो कि आगे जाके बहुत बड़े पेड़ बनते हैं, जैसे कि टीक वुड, मैंगो, जैक फ्रूट, ब्लैक पाम, टेमरेड। अब ऐसा क्यों किया जाएगा? इससे क्या होगा कि देखिए, जैसे जैसे ये बच्चियां बड़ी होंगी तो जो इनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको पढ़ाना, उनकी शादी करना। तो इन सारी चीजों की उनकी फैमिलीज को सहायता मिल सके तो क्या करेंगे कि ये जो पेड़ बनेंगे इनको काट के बेच के जो लड़कियों का फ्यूचर है वो प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इसीलिए ये स्कीम चलाई जा रही है, कन्या वन समृद्धि स्कीम, ठीक है। तो अगर पेपर में आता है कन्या वन समृद्धि स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की योजना है तो याद रखना यह स्कीम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। अगली स्कीम क्या है? जो राजस्थान है, राजस्थान ने एक स्कीम शुरू की है जिसके तहत 62 लाख स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा। जो राजस्थान की सरकार है उसने स्कीम क्या निकाली है, जो बच्चों में माल न्यूट्रिशन होता है या फिर उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है तो उनके लिए यह किया गया है कि हफ्ते के 3 दिन उनको दूध यानी मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा,
ठीक है। और ये जो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखना, वो क्या है, वसुंधरा राजे। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम किसका पार्ट होगी, एक तरीके से अन्नपूर्णा दूध योजना के नाम से, अन्नपूर्णा दूध योजना के नाम से स्कीम रन की जाएगी। तो अगर पेपर में पूछा जाता है अन्नपूर्णा दूध योजना, ये किस स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, तो याद रखना ये है राजस्थान गवर्नमेंट की योजना, जिसके तहत जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको हफ्ते के 3 दिन दूध प्रोवाइड किया जाएगा। आगे चलते हैं, गुजरात जो है, गुजरात गवर्नमेंट, उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया है, पोषण अभियान टू इरेडिकेट दी माल न्यूट्रिशन। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एक योजना लेके आई थी जिसको हम लोग पोषण अभियान के नाम से जानते हैं, जो माल न्यूट्रिशन को मिटिगेट करेगी। पोषण अभियान को हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो मिशन है, ये एक अम्ब्रेला मिशन है, इसके तहत जितनी भी फूड से रिलेटेड स्कीम्स हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और जो हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या उससे होने वाले परिणाम कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनको मिटिगेट करने के लिए अभियान लेके आए थे। तो उसी सेम लाइन पे राज्य जो गुजरात की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया है, पोषण अभियान को लॉन्च किया है। गुजरात की चीफ मिनिस्टर का नाम है विजय रूपानी, मतलब सॉरी मेल है, तो उनका नाम क्या है, विजय रूपानी। इन्होंने पोषण अभियान को शुरू किया है, इसके तहत जो बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन होता है उसको इरेडिकेट करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा उन्होंने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है पूर्णा। पूर्णा प्रोजेक्ट क्या करेगा कि 14 से 18 साल की जितनी भी लड़कियां होती हैं उनके अंदर माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने की कोशिश की जाएगी। पूर्णा का फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया अमंग एडोलसेंट गर्ल। तो ये पूर्णा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, पेपर में पूछा जाएगा पूर्णा प्रोजेक्ट किस स्टेट गवर्नमेंट का है, तो याद रखना ये गुजरात गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसमें माल न्यूट्रिशन को मिटिगेट किया जाएगा। इज दैट क्लियर। जो नेशन वाइड पोषण अभियान जो मैंने आपको बताया, ये मतलब हमारे पूरे देश में रन किया गया था मार्च 8, 2018 से, और ये राजस्थान से शुरू किया गया था। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक सब्सिडाइज्ड पावर स्कीम रन की है जिसका नाम है संबल योजना। संबल योजना को हम लोग मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना में जो गरीब सेक्शन के लोग हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी बहुत सस्ती दरों पे, जैसे कि 200 रुपये पर महीने। इसमें क्या होगा, कोई भी बीपीएल फैमिली जहां पे इलेक्ट्रिसिटी हजार हजार यूनिट यूज होती हो, 1000 यूनिट, और जहां पे कुछ एसी वगैरह यूज ना होती हो, तो उनको 200 रुपये महीने में बिजली प्रोवाइड की जाएगी, संबल योजना, ठीक है, जो जन कल्याण योजना का पार्ट ही है। इसके तहत, जन कल्याण योजना के तहत बहुत सारे फैमिलीज की जो बिल्स हैं उनको भी वेव किया गया है, मतलब उनको ही उस बिल की माफी की गई है। इस स्कीम का ये अंदाजा लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कम से कम 88 लाख फैमिलीज को फायदा होगा, और इससे ये इंश्योर किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के जितने भी घर हैं उनको पावर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। इसके लिए अगर हम बेनिफिशियरी देखें तो कोई भी ऐसा इंसान जिसके घर पे एयर कंडीशनर नहीं है, इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है, और जिसका पावर कंजम्पशन 1000 वॉट से कम है, तो वो इसके बेनिफिशियरी बन सकते हैं। प्लीज याद रखना, जो भी एमपीपीएससी में अपियर होने वाला है वो इसको बड़े ध्यान से याद करे। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। तो ये थी संबल योजना। संबल योजना किस स्टेट से एसोसिएटेड है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। अगली जो स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या एम है कि हमारे घर में, मतलब इसको ऐसे भी बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। इसका इनिशिएटिव, इसका ये मानना है कि 2022 तक हमारे घर, हमारे देश में जो भी जिन जिनके पास भी होमलेस लोग हैं उनको घर प्रोवाइड किए जा सके, हर किसी को घर प्रोवाइड। इसके दो कंपोनेंट है, एक अर्बन और एक है रूरल। अर्बन कंपोनेंट में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे 2022 तक, और रूरल कंपोनेंट में 4 करोड़ घर बनाए जाएंगे 2022 तक। अर्बन कंपोनेंट को जो इंप्लीमेंट कर रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इंप्लीमेंट कर रही है। तो इसी के तहत 51 लाख घर अभी तक सैंक्शन किए जा चुके हैं 3 साल के भीतर भीतर। ये जो घर है वो मिनिमम कॉस्ट में बनाए जा रहे हैं और मिनिमम टाइम में बनाए जा रहे हैं। तीसरा साल हुआ है इस स्कीम का, और इसी स्कीम को रन कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात की जाए तो ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जा रही है अर्बन पुअर्स को, और इसमें एम है कि 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउस बनाए जा सके 31 मार्च 2022 तक। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 2015 में, और इसको इंप्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगर हम बात करें इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दी प्रधानमंत्री आवास योजना।
अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट अफेयर की। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका जिसका नाम है वन फार्मर वन ट्रांसफार्मर स्कीम। वन फार्मर वन ट्रांसफार्मर स्कीम ये किस राज्य सरकार की स्कीम है? ये महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है। इससे पहले एक और स्कीम बताइए, कन्या वन समृद्धि योजना, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ही स्कीम है। इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस होते हैं उनको मिटिगेट किया जाएगा, उनको कम किया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो दो दो लाख फार्मर्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाएगा फ्रॉम हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से, सो दैट उनको अनइंटरप्टेड पावर मिल सके। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी स्कीम, वन फार्मर वन ट्रांसफार्मर स्कीम। बस इतना याद रखना किस गवर्नमेंट की योजना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। अगली स्कीम है आंध्रा गवर्नमेंट की। आंध्रा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अन्ना कैंटीन्स। इससे पहले तमिलनाडु की सरकार ने अम्मा अम्मा कैंटीन चल रही थी तमिलनाडु की सरकार के द्वारा, उसी तर्ज पर अन्ना कैंटीन्स बनाई गई है आंध्र प्रदेश में। यहां पे खाना प्रोवाइड किया जाएगा, मील्स प्रोवाइड की जाएंगी जस्ट 5 रुपए में। मध्य आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने 16 अन्ना कैंटीन्स चालू किए हैं जहां पे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सिर्फ 5 रुपए में मिल पाएगा। ठीक है, तो 60 कैंटीन, अगर ये पूछा जाए अन्ना कैंटीन्स किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू, और उन्होंने इस स्कीम को चालू किया, एक इनॉग्रेशन किया उन्होंने एक कैंटीन का विजयवाड़ा में। तो अन्ना कैंटीन्स आंध्रा गवर्नमेंट। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो है हिमाचल हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। इन्होंने एक 1.55 करोड़ की काओ सेंचुरी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। अगर आपसे कोई ये पूछता है रिसेंटली काओ सेंचुरी प्रोजेक्ट किस गवर्नमेंट ने चालू किया, तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इस सेंचुरी में ग्रेजिंग ग्रेजिंग फैसिलिटी यानी घास चरने की फैसिलिटी होगी, उसकी कैपेसिटी होगी 500 एनिमल और मोस्टली स्ट्रे काउस। ठीक है, ये जो अगर हम बात करें काऊ के काऊ सेंचुरी के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले शुरू किया गया था मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा। अगर कोई भी इंसान जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो इस चीज पे ध्यान दें, क्या बात है कि जो काउ सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले शुरू किया था मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इसी कॉन्सेप्ट को रिप्लीकेट करते हुए हिमाचल प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो काउ सेंचुरी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है गुजरात के बारे में। गुजरात ने एक एक प्रोजेक्ट चालू किया है जिसका नाम है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? गुजरात गवर्नमेंट का। गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? विजय रूपानी। ये प्रोजेक्ट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को आप समझ सकते हैं बॉर्डर, सीमा का मतलब होता है बॉर्डर और दर्शन का मतलब है टूरिज्म, तो बॉर्डर टूरिज्म प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा, एग्जीबिशन हॉल बनाया जाएगा और परेड ग्राउंड बनाया जाएगा। एग्जीबिशन हॉल और परेड ग्राउंड बनाया जाएगा विद एमपी थिएटर फॉर 5,000 पीपल। इस प्रोजेक्ट से क्या किया जाएगा कि जो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको प्रमोट किया जा सके रन ऑफ कच्छ के रीजन में, और टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। तो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट किस सरकार का है? यह है आपका गुजरात गवर्नमेंट का। अगला इनिशिएटिव है हरियाणा चीफ हरियाणा गवर्नमेंट का। हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है पौधागिरी कैंपेन। नाम से समझ में आ रहा होगा पौधागिरी कैंपेन। तो ये इस स्कीम के तहत हरियाणा गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, जो 6 से 12वीं क्लास में उनके यहां पे 22 लाख स्टूडेंट्स हैं, ये 22 लाख स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट एक पौधा रोपण करेगा 3 महीने में। मानसून के जो 3 महीने होते हैं जुलाई अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों के भीतर भीतर जो 22 लाख स्टूडेंट है वो हर एक स्टूडेंट हर एक एक पौधा लगाएगा। तो इससे एक तरीके से ग्रीनरी या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का इनिशिएटिव है, पौधागिरी कैंपेन हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम है मनोहर लाल ठक्कर। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एचआरडी मिनिस्ट्री है, इसने अनाउंस किया है पढ़े भारत बड़े भारत स्कीम। आपको पता होना चाहिए पढ़े भारत बड़े भारत स्कीम जो है वो समग्र शिक्षा जो इनिशिएटिव है उसी का एक पार्ट है, उसी का एक कॉम्पोनेंट है। समग्र शिक्षा को अगर मैं इंग्लिश में इंटरप्रेट करूं तो इसका मतलब होता है कंप्लीट एजुकेशन। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत जो बच्चे हैं उनके अंदर रीडिंग रीडिंग कैपेसिटी रीडिंग एबिलिटी को जनरेट, मतलब उनके अंदर रीडिंग इंटरेस्ट को डेवलप किया जाएगा, सो दैट बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और सीखें। इसके तहत प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं उन स्कूल्स हैं उनको ग्रांट दी जाएगी।
पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम, इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। अगला जो इनिशिएटिव है वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट से रिलेटेड। आपको पता होगा भारत सरकार गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनको अच्छे डेवलपमेंट के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम लेके आई थी। सुकन्या समृद्धि स्कीम में क्या किया जाता है, 10 साल से छोटी बच्ची के नाम पे एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है जिसमें जो उसके परिजन होते हैं वो कुछ रुपए डिपॉजिट करवाते हैं। इस रुपए को वो लड़की जब 18 साल की होती है तो उसमें से कुछ रुपए निकाल सकती है और जब 21 साल की होगी तो बाकी का रुपए निकाल सकती है, सो दैट उसकी एजुकेशन और मैरिज में कोई दिक्कत ना आए। पहले इसमें लिमिट थी कि कोई भी परिजन अपनी लड़की के नाम पे 1,000 रुपए तक डिपॉजिट करवा सकता है, मतलब कम से कम 1,000 और मैक्सिमम था 1,50,000। लेकिन अब इसमें लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया, इसमें बोला है कि अब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो ये अकाउंट्स होते हैं आप उसमें 250 रुपए, कम से कम 250 रुपए तक भी जमा करवा सकते हो। तो 250 से लेकर 1,50,000 तक की इसकी लिमिट है। ये स्कीम रन की गई थी जनवरी 2015 से। इसमें क्या होता है, जो भी पेरेंट या लीगल गार्जियन होते हैं वो अपनी बच्ची के नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं जब तक वो 10 साल की होती है तब तक, और ये अकाउंट जो ओपन होगा वो वैलिड होगा 21 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। जब ये अकाउंट मैच्योर होगा तो ये पूरा पैसा जो होगा वो लड़की को दिया जाएगा। तो ये था आपका सुकन्या समृद्धि योजना। आगे चलते हैं, 3 इंडियन स्टेटों ने मिलकर एक स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 लॉन्च किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण यानी क्लीनिनेस को मॉनिटर करने के लिए को एक योजना रन की है 3 स्टेट ने। वो 3 स्टेट कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, यूपी एंड झारखंड। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 जो है ये अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा और इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र, यूपी और झारखंड ने मिलकर। इसके तहत क्या किया जाएगा, इंडिपेंडेंट सर्वे किया जाएगा सारे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और इन डिस्ट्रिक्ट को फिर रैंक किया जाएगा किस पैरामीटर्स पे, सुरक्षा के पैरामीटर्स पे। अगला जो इनिशिएटिव है वो है फ्री वाईफाई सर्विस फॉर विलेजेस एडॉप्टेड बाय एमपीज अक्रॉस इंडिया। आपको पता होगा एक संसद आदर्श ग्राम योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा। इसके दौरान क्या किया गया था, हर एक साल एक एमपी को एक विलेज को एडॉप्ट करना होगा और ये जो विलेज है वो ना ही उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए ना ही उसकी पत्नी की का घर होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट विलेज को उनको अडॉप्ट करना होगा और उसको डेवलप करना होगा एक आइडियल यानी आदर्श ग्राम के तौर पे। ये संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो अडॉप्ट किए गए थे एमपीज के द्वारा गांव, अब इसमें एक और चीज एड ऑन हुई है कि ये जितने भी गांव हैं वहां पे फ्री वाईफाई सर्विस प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक तरीके से ये आपका जो इनिशिएटिव है इट इज अ पार्ट ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, भारत नेट प्रोजेक्ट है इसके तहत इंडिया की जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत से इनको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मदद से लिंक किया जा रहा है सो दैट ये पंचायत हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर सके। अगर संसद आदर्श ग्राम योजना की बात की जाए तो जैसे ही ये एनडीए की गवर्नमेंट आई थी ना, सरकार बनी थी, उसके बाद 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की बर्थडे के दिन इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया गया था इसको नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी इसमें क्या बात थी, जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक एमपी को एक विलेज को अडॉप्ट करना था। इसी स्कीम के तहत नरेंद्र मोदी ने अब तक जयपुरा विलेज को अडॉप्ट किया जो कि उनकी वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। सोनिया गांधी ने उड़वा विलेज को अडॉप्ट किया था जो कि रायबरेली जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आता है। उसके अलावा राहुल गांधी ने डी विलेज को अडॉप्ट किया था जो कि अमेठी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। सचिन तेंदुलकर ने पुट्टुम राजू कंडरीगा विलेज को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उन्होंने इन गांवों को अडॉप्ट किया था। ये है संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में थोड़ी सी डिटेल। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट अफेयर के बारे में। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने एक इरीगेशन डैम प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। आपको पता होना चाहिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक और ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है रुकुरा मीडियम इरिगेशन डैम प्रोजेक्ट। ये वहां के उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो अगर पेपर में आता है कि रुकुरा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां पे इनॉग्रेट किया गया, ये किया गया है उड़ीसा में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। चलिए ये बताइए मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट कहां पे सिचुएटेड है या कहां पे एस्टेब्लिश किया गया है। मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है इसको इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था और इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसी के साथ जितनी भी स्कीम थी वो समाप्त होती हैं। एक बार रिवाइज करवा देता हूं जिनको हमने आज कवर किया है, इरिगेशन डैम प्रोजेक्ट, संसद आदर्श ग्राम योजना,
फिर हमने बात की स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के बारे में, हमने बात की है आज सुकन्या समृद्धि योजना, उसके अलावा पढ़े भारत बड़े भारत स्कीम, हमने बात की है पौधागिरी कैंपेन के बारे में, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के बारे में, काउ सेंचुरी प्रोजेक्ट के बारे में, उसके अलावा हम लोगों ने बात की अन्ना कैंटीन्स के बारे में, वन फार्मर वन ट्रांसफार्मर स्कीम्स के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने आज बात की है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में और संबल योजना जो एमपी की एक योजना है, उसके अलावा हमने बात किया है पोषण अभियान के बारे में, हमने बात की है जो राजस्थान ने क्या कहते हैं अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू किया उसके बारे में, और हम लोगों ने आज एक और बात की थी कन्या वन समृद्धि योजना के बारे में। आई होप आप इन सबको अच्छे से याद कर पाए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस के बारे में कि जुलाई महीने में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की जरूरत है। लेट्स गो ऑन टू अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट में सबसे पहली बात क्या है, मेक्सिको के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ठीक है, तो ये मेक्सिको के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये इनका तीसरा अटेम्प्ट था, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ठीक है, एमलो एमलो से याद कर लो, मेक्सिको एमलो मेक्सिको। सीमानंदा सीईओ बन गई है किसकी, डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी ऑफ यूएसए। डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी ऑफ यूएसए जो है उसकी ये सीईओ बन गई है सीमानंदा। सीमानंदा इंडियन ओरिजिन की है इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट फिर भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। उत्तम डिल्लन ये एक्टिंग डायरेक्टर बन गए हैं किसके, एक्टिंग डायरेक्टर यूएस में जो ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ये एक्टिंग डायरेक्टर बन गए। कौन, उत्तम डिल्लन, ये एक इंडियन अमेरिकन लॉयर है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर सकते हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जनार्दन सिंह गहलोत ये प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट बन गए। कौन, जनार्दन सिंह गहलोत, इनका जो कार्यकाल होगा वो 4 साल का होगा, ठीक है, तो जनार्दन सिंह गहलोत इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन गए। सत्यश्री शर्मिला जो है उनको अपॉइंट किया गया है पहले ट्रांसजेंडर लॉयर के तौर पे। सत्यश्री शर्मिला ये हमारे देश की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर कौन है, सत्यश्री शर्मिला, ठीक है, तो प्लीज अच्छे से इनको याद करना, फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर। उसके अलावा अभी इसी फैक्ट से मिलते जुलते कुछ और बातें, जैसे कि राजस्थान की गंगा कुमारी ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन कांस्टेबल भी बनी है, ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर वुमेन कांस्टेबल कौन, गंगा कुमारी। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में ज्योतिता मुंडल ये पहली लोक अदालत जज बन गई हैं, ये पहली ट्रांसजेंडर है जो कि लोक अदालत जज बनी है, ज्योता मंडल, तो प्लीज इन सबको याद करना, सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट यही है सत्यश्री शर्मिला, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर ऑफ इंडिया। विश्वास पाटिल, चलिए आप ये बताइए अभी रिसेंटली रिसेंटली किस महिला का चयन हुआ है एज अ फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पे, फर्स्ट फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट फीमेल जज के तौर पे किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप ये कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। विश्वास पाटिल को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। इंडिया में जो पेमेंट काउंसिल है उसके तौर पे अपॉइंट किया गया है किसको, विश्वास पाटिल को। जो ये विश्वास पाटिल हैं ये अब नए चेयरमैन हैं पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के। आदर्श कुमार गोयल को नया चेयरमैन बनाया गया है एनजीटी का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्टैचूटरी बॉडी है जो कि एडजुडिकेट करती है कैसे केसेस को, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं उनको। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को 2010 में स्टैब्लिश किया गया था, ये याद रखना, तो इसके नए चेयरमैन कौन है, आदर्श कुमार गोयल। इससे पहले अगर आदर्श कुमार गोयल की बात की जाए, अच्छा इनका कार्यकाल रहेगा 5 साल का, ये और याद रखना, इससे पहले ये पहले सुप्रीम कोर्ट जज हैं जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आदर्श कुमार गोयल। सो प्लीज डू रिमेंबर आदर्श कुमार गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर एनजीटी की बात करें तो ऑलरेडी बता चुका हूं ये 2010 में स्टेब्लिश किया गया था फॉर दी एक्सपीडिशियस, मतलब जल्द से जल्द डिस्पोजल हो सके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड केसेस का। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है विद्या बालन से रिलेटेड। विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मुथूत पचपन पपचन ग्रुप का, ठीक है, मुथूत एक फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है विद्या बालन।
मुकेश अंबानी को रीअपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो मुकेश अंबानी इज बीन री अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन। मुकेश अंबानी अभी रिसेंटली एज पर दी ब्लूमबर्ग्स बिलियनर लिस्ट के हिसाब से एशिया के रिचेस्ट इंसान बन गए हैं। इन्होंने जैक मा जो कि अलीबाबा के फाउंडर हैं, उनको रिप्लेस भी किया है। क्लियर, आगे चलते हैं। जेरमी हंट को अपॉइंट किया गया है नए फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे। जेरमी हंट को नए फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है यूके की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। संदीप संचेती को ने प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल लिया। किसका? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसके नए प्रेसिडेंट है संदीप संचेती। डोमिनिक राबा नए सेक्रेटरी बने हैं ब्रेक्जिट के लिए। ठीक है, तो डोमिनिक राब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तुषार रोथे, इन्होंने रिजाइन किया है पोस्ट ऑफ कोच से, मतलब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के ये अभी तक कोच थे जिनका नाम है तुषार एरोथे, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है। एल लता ये अपॉइंट हुई है एज एमडी सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक की नई एमडी सीईओ का नाम क्या है? टी लथा। ठीक है, याद रखना। टी सी ए राघवन ये अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के। टी सी ए राघवन हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, इससे पहले टी सी ए राघवन जो थे वो क्या कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उसके अलावा ये हाई कमिश्नर का रोल अपना प्ले कर चुके हैं, तो प्लीज इनके बारे में याद रखना। रमेश पोबार को अपॉइंट किया गया इंटरिम कोच ऑफ इंडियंस वुमेन क्रिकेट टीम, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो तुषार अरोथे थे इन्होंने रिजाइन कर दिया एज अ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के तौर पे, तो अब रमेश पोवार आए हैं इनकी जगह पे एज अ इंटरिम कोच। इनको बीसीसीआई ने अपॉइंट किया है, रमेश पोवार एज अ इंटरिम कोच ऑफ इंडियंस वुमेन क्रिकेट टीम। कप्तान सिंह सोलंकी ने एडिशनल चार्ज लिया है गवर्नर का। कहाँ के गवर्नर? हिमाचल प्रदेश। आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक पर्सन एक या एक से ज्यादा स्टेट का, 1+ स्टेट का गवर्नर बन के रह सकता है, तो कप्तान सिंह सोलंकी जो अभी हरियाणा के गवर्नर हैं अब इन्होंने एडिशनल चार्ज अपना लिया है। कहां का? हिमाचल प्रदेश के ये एडिशनल गवर्नर हैं। ताहिरा सफदर अपॉइंट हुई है एज अ फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई हाई कोर्ट होगा उसकी ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। तो ये फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से कंजर्वेटिव से थोड़ा लिबरल हो रहा है। ताहिरा सफदर। वेंकैया नायडू को अपॉइंट किया गया एज द चांसलर ऑफ पॉन्डीचेरी यूनिवर्सिटी। वेंकैया नायडू आपको पता होगा ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है और चेयरमैन है राज्यसभा के। वेंकैया नायडू पॉन्डीचेरी यूनिवर्सिटी के चांसलर बने हैं। उसी के साथ साथ जो वेंकैया नायडू हैं वो हमारे राज्यसभा के ऐसे पहले चेयरमैन हैं जिन्होंने कोई एमओयू साइन किया है किसी कंट्री के साथ। ये एमओयू साइन किया गया है रवांडा के साथ। ठीक है, तो वेंकैया नायडू के बारे में याद रखना, ये पॉन्डीचेरी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बने हैं। सुरेंद्र रोसा को सीईओ बनाया गया है एचएसबीसी इंडिया का। एचएसबीसी एक बैंक है, तो उसके सीईओ कौन बने हैं? सुरेंद्र रोसा। इसी के साथ सारे जो अपॉइंटमेंट थे वो समाप्त होते हैं, तो आप देख लीजिए, इसी को दो दो बार पढ़ लेना। अगर हम बात करें तो एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सुरेंद्र रोसा, वेंकैया नायडू, ताहिरा सफदार, कप्तान सिंह सोलंकी, रमेश पोवार जो कि अब इंटरिम कोच रहेंगे, टीसीए राघवन जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे, टी लता जो एमडी सीईओ है धनलक्ष्मी बैंक की अब से, उसके अलावा ये दोनों को आप छोड़ देना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको रिवाइज करिए अच्छे से। इसी के साथ हमारे जुलाई महीने के सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज के बारे में। बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज में सबसे पहली खबर जो है, आरबीआई प्लान कर रही है कि 100 रुपए का नया नोट लॉन्च किया जाए। ये जो 100 रुपए का नया नोट होगा ये वॉलेट कलर में होगा, तो पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि रेड कलर का नोट आरबीआई ने किसको लॉन्च किया है, रेड या पिंक कलर का, तो वो है 2000 का नोट। तो सिमिलरली वॉलेट कलर का नोट है 100 रुपए का नोट। ये नोट प्रिंट किया जा रहा है देवास में, जो बैंक नोट प्रेस कंपनी है वहां पर। ठीक है, देवास ये एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। रैपको माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ने रिसीव किया नाबार्ड 2018 अवार्ड।
नाबार्ड 2018 अवार्ड किसको मिला? एक माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है रैप को, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मतलब ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती है ना, ये एक तरीके से पैसे प्रोवाइड करती हैं रूरल इलाकों में, ठीक है। ये इंटरमीडियरी का काम करती हैं बड़े बड़े बैंक और हमारा फाइनल कस्टमर के बीच में। तो यहाँ पे आते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को प्रमोट करने के लिए एक मुद्रा योजना भी लेके आई थी सरकार 2015 में, मुद्रा योजना। तो प्लीज इसके बारे में याद रखना। नाबार्ड है आपका नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसका 2018 वाला अवार्ड मिला है रेपको माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड को। क्यों मिला है? इसकी सर्विसेज जो इसने सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके लिंकेज में जो काम किए हैं उसको सराहने के लिए नवार्ड 2018 अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा स्विस बैंक जो है, मनी इन स्विस बैंक, जो आपको पता होगा स्विस बैंक बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं कि वहां पे लोग अपना ब्लैक मनी स्टैश करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं। तो अगर हम उसकी गणना करें तो इंडिया का 73rd प्लेस है और सबसे टॉप पे है यूके। इतना ही बस जानना काफी है। आरबीआई ने इश्यू किया है लाइसेंस टू द बैंक ऑफ चाइना टू ऑपरेट इन इंडिया। आरबीआई अगर इंडिया में कोई भी भारतीय एंटिटी, फॉरेन एंटिटी आके क्या कहते हैं अपना बैंक स्टेब्लिश करना चाहती है इंडिया में, तो उसके लिए उसको आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है। तो रिसेंटली आरबीआई ने बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस दिया है। यह डिसीजन लिया गया जब आपको पता होगा मोदी जी और जी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में एक इन्फॉर्मल समिट हुई थी, ठीक है। और मतलब वो मिले थे कहां पे मिले थे? एससीओ समिट के दौरान, यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दौरान। आपको पता होगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अब इंडिया और पाकिस्तान भी पार्ट हैं। तो इसके दौरान इंडिया के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वो शी जिनपिंग से मिले थे और उनके बीच में एक बात हुई थी, ठीक है। तो उसी के बाद जो बैंक ऑफ चाइना है वो अब अपनी ब्रांच खोलेगा इंडिया में, ठीक है। लास्ट ईयर बैंक ऑफ चाइना ने साउथ एशिया में यानी पाकिस्तान में अपनी पहली ब्रांच खोली थी। बैंक ऑफ चाइना का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, IIFL ये इंडिया की नंबर वन इन्वेस्टमेंट बैंक बन गई है फॉर दी फिस्कल ईयर 2017-18 एज पर दी प्राइम डेटाबेस इन्वेस्टमेंट बैंकर लीग टेबल के द्वारा। IIFL जो है वो इंडिया टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक बन गया है फॉर इक्विटी इश्यूएंस में, मतलब इसने सबसे ज्यादा इक्विटी इश्यू की है, मतलब लोग बागों ने इसके शेयर सबसे ज्यादा खरीदे हैं। IIFL येस बैंक जो है उसको सेबी का नोड मिल गया टू लॉन्च दी म्यूचुअल फंड बिजनेस। आपको पता होगा जितने भी आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स हो गए या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, तो इसके लिए आपको सहमति लेनी होती है सेबी की। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये सारे ये जो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट वगैरह को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, ये एक स्टैचूटरी बॉडी है। तो सेबी ने अपना रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया है किसको? यस बैंक को। अब यस बैंक अपना म्यूचुअल फंड कंपनी भी चालू कर सकती है। अगर हम बात करें यस बैंक के डायरेक्टर और सीईओ के बारे में, तो इनका नाम है राणा कपूर। राणा कपूर, यस बैंक जो है वो हमारे इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है कौन सा? यस बैंक। आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है? आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। अल्बर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ये जो कोऑपरेटिव बैंक था ये राजस्थान में ऑपरेट हो रहा था और ये अपना जो बिजनेस एक्टिविटीज है, बैंकिंग एक्टिविटीज है, वो गलत तरीके से कर रहा था। अब जब इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है तो अब क्या किया जाएगा? इस बैंक का लिक्विडेशन किया जाएगा, मतलब बेचा जाएगा, और जो भी रुपए हासिल होगा उससे हर एक डिपॉजिटर को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये 1 लाख रुपए कौन देगा? डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डीआईसीजीसी क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है। ये एक सब्सिडरी कंपनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ये क्या काम करती है? जब भी कोई बैंक फेल हो जाता है तो उसके एसेट्स को बेचकर जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनके पैसे वापस करवाने में मदद करती है। डीआईसीजीसी को स्टेब्लिश किया गया था 1978 में और ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, यानी एक एक्ट के बाद ये बनाई गई थी। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट के बाद इसको बनाया गया था। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो लोग बागों का डिपॉजिट होता है, कस्टमर का डिपॉजिट होता है, उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और उनको गारंटी देना कि अगर बैंक फेल भी हो गया है तो आपको कुछ ना कुछ रुपए मिलेंगे। सो दिस इज अगर पेपर में ऐसा आता है कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने किसका लाइसेंस कैंसिल किया था, तो अल्बर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने अप्रूव किया है 503 मिलियन यूएस डॉलर प्रोजेक्ट फॉर बिहार। मतलब जो एडीबी बैंक है, एडीबी बैंक,
इसने 503 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट अभी अप्रूव किया है बिहार के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा, जैसे कि जो सोन कैनाल है उसका लाइनिंग प्रोजेक्ट है, उसके लिए लोन अप्रूव किया गया है। तो अगर ये ऐसा आता है कि लाइनिंग प्रोजेक्ट ऑफ सोन कैनाल ये कहां पे रन हो रहा है, ये रन हो रहा है बिहार में, इसके लिए लोन किस इंटरनेशनल बॉडी ने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा देखें तो ये एस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट का नाम है टेका हिको नाकाओ। इसकी टोटल मेंबरशिप है 67 कंट्रीज, और इसका मेन पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर 67, इसके प्रेसिडेंट का नाम टेका हिको नकाओ। तो एडीबी ने एक प्रोजेक्ट को लोन दिया है जो कि बिहार में रन किया जा रहा है। क्लियर है, याद रहेगा। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया साइंड पैक्ट ऑन बैड लोन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क। जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, यानी 22 पब्लिक सेक्टर बैंक, जो इंडिया के 22 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, 32 फॉरेन बैंक हैं, उन सब ने मिलकर एक साइन किया है। किसके साथ साइन, दी इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पे साइन किया है, जो कि ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है, ये एक प्रोजेक्ट का पार्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम है साक्षात, साक्षात प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इससे कोशिश की जा रही है जो कि बैड बैड लोन्स की हमारे यहाँ दिक्कत है उनको रिजॉल्व किया जा सके। अगर कोई भी 500 करोड़ से नीचे के बैड लोन्स हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, साक्षात प्रोजेक्ट। क्या है, सॉरी साक्षात नहीं, सशक्त, सशक्त प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सशक्त प्रोजेक्ट के ही अंतर्गत एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। इसमें इंडिया के सारे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स ने साइन किया है। ये प्रोजेक्ट जो है प्रपोज किया गया था एक कमिटी के द्वारा। इस कमिटी के चेयरमैन थे सुनील मेहता। सुनील मेहता पंजाब नेशनल बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे हैं। तो ये फ्रेमवर्क साइन हुआ है, प्लीज याद रखना। अगर पूछा जाता है सशक्त जो प्रोजेक्ट है वो किस लिए है, तो याद रखना बैड लोन्स, जो कि 500 करोड़ से नीचे के लोन्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। और इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या है ये भी पता होना चाहिए। आज हमने इसमें क्या क्या देखा, तो हम लोग देखते हैं। हमने बात की है सशक्त प्रोजेक्ट के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमने बात की, हमने बात की DICGC के बारे में, यस बैंक को म्यूचुअल फंड बिजनेस की परमिशन मिली है, IIFL जो कि इंडिया का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक बन गया है, उसके अलावा बैंक ऑफ चाइना के बारे में हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने आज बात की है स्विस बैंक में जो रुपए डिपॉजिट है, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, रैपको माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड को नबार्ड 2018 का अवार्ड मिला है। तो ये सारी खबरें थी हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस की दुनिया से जो जुलाई महीने में घटित हुई थी। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट सेक्शन की, विच इज डिफेंस की न्यूज। तो आज हम करेंगे डिफेंस के न्यूज के बारे में। सबसे पहली न्यूज है जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडिया का, उसने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए सुलूर स्टेशन केरला में। ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये हमने खुद बनाया है, तो ये इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और ये फ्लाइंग डैगर्स के स्क्वाड्रन का एक पार्ट है, फ्लाइंग डैगर्स के नाम से, और इसने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट शुरू की है। तेजस जो है, तेजस के बारे में जानना आपको आवश्यक है, तेजस जो है पहला फर्स्ट एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है बेंगलुरु बेस्ड हाल के द्वारा। हाल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये एक PSU है जिसने ये फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप किया है। इसमें सैटेलाइट एडेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है और इसके पास ईयर टू ईयर मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेसिटी है। तो तेजस क्या चीज है अब याद रहेगा, ये क्या है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तेजस। अब अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, इसरो ने पहला पैड एबॉर्ट टेस्ट कंडक्ट किया है सक्सेसफुली। फिर से बताता हूं, इसरो ने, जो हमारा एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक टेस्ट किया है सक्सेसफुली जिसका नाम है पैड एबॉर्ट टेस्ट। ये जो पैड एबॉर्ट टेस्ट है वो एक्चुअली क्यों किया जा रहा है, पैड एबॉर्ट टेस्ट किया जा रहा है सो दैट, अभी देखिए हम कोई भी फ्लाइट को भेजते हैं आसमान में और अभी वो बस जाती है और फिर बेकार हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो रिटर्न मिशन है, कि मतलब कोई भी मेन मिशन, कि कोई भी इंसान जाए स्पेस में और लौट के आ जाए, उसके लिए कोशिश कर रही है इसरो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। तो उसी के लिए ये पैड अबॉर्ट टेस्ट किया गया था। ये पहला स्टेप है टू क्वालिफाई इंडियाज इंडिजिनस क्रू एस्केप सिस्टम टेक्नोलॉजी पे,
और मैं बता चुका हूं क्रू एस्केप सिस्टम क्या है, ये इमरजेंसी एक्सीडेंट अवॉइडेंस मेजर है, सो दैट जो भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं अगर मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो ये अपने स्पेस एयरक्राफ्ट से तुरंत बाहर निकल सकें और वापस आ सकें। ये जो एक्सपेरिमेंट है इट इज वॉज कैरीड आउट ऑन December 18, 2014 व्हेन द केयर कैप्सूल सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड इट सर्वाइव एटमोस्फेरिक री एंट्री। तो केयर ने भी जो केयर प्रोजेक्ट था इसमें क्या किया गया था, किसी फ्लाइट को भेजा गया था और लौट के आ गई थी ये हमारे एटमोसफेयर में सेफली री एंटर कर गई थी, ये था केयर प्रोजेक्ट। तो केयर प्रोजेक्ट के बाद ही इस टेक्नोलॉजी को, कि अब मान लीजिए कभी क्या होता है कि अगर कोई ऐसी फ्लाइट जाती है और लौट के आते वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, तो यही टेक्नोलॉजी का नाम है क्रू एस्केप सिस्टम टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इसके लिए एक टेस्ट किया गया जिसका नाम है पैड एबॉट टेस्ट। इंडियन वॉरशिप जिसका नाम है INS श्रीखंड, ये रीच की है श्रीलंका फॉर गुडविल विजिट के लिए। इंडिया की लेटेस्ट फ्रंट लाइन वॉरशिप जिसका नाम है INS श्रीखंड, ये श्रीलंका गई थी एज अ गुडविल विजिट के तौर पे। INS श्रीखंड की बात की जाए तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप है जो कि इंडियन नेवी के पास है, इसके पास बहुत तरीके के वेपन्स और सेंसर्स हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है श्रीखंड क्या है, तो ये एक इंडियन नेवल शिप वॉरशिप है, वॉरशिप। अब बात करते हैं इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट डिप्लॉय टू रिमपेक एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया था 18वीं रिमपेक एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। रिमपेक एक्सरसाइज वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज होती है, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं जो भी पैसिफिक ओशियन की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो सारी पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। और ये जो रिमपेक एक्सरसाइज है ये 18वीं एक्सरसाइज है ऐसी, इसमें इंडिया का जो नेवल एयरक्राफ्ट है वो भी जाएगा पहली बार। इंडिया का नेवल एयरक्राफ्ट जिसका नाम है P-8I लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट, इसका नाम है रजाली। ठीक है, रजाली, तो ये जाएगा, आपको पता होना चाहिए रिमपेक एक्सरसाइज शुरू हुई है हवाई के तट से। जो रिमपेक है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज होती है, इसमें 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। चलिए ये बताइए इस बार जो रिमपेक एक्सरसाइज है उसमें हमारा कौन सा इंडियन नेवल शिप जाके पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा इंडियन नेवल शिप जाके रिमपेक एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट करेगा, इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और अगर आपसे कोई ये पूछता है रजाली क्या है, रजाली एक इंडियन नेवल शिप है, इंडियन नेवल शिप है जिस पे से हमारा एयरक्राफ्ट जिसका नाम है P-8I जो हमारे नेवल एयरक्राफ्ट है उसने लॉन्च किया है। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट अनमैंड एरियल व्हीकल फैक्ट्री को सेटअप किया जाएगा कोटा में। अनमैंड एरियल व्हीकल्स क्या होते हैं? ड्रोन्स। ठीक है, जो हवा में उड़ते हैं, जो कि रिसर्च वगैरह सर्चिंग के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए उड़ाए जाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी उड़ाए जा सकते हैं, ये लेजर के लिए मतलब ऐसे फन के लिए भी उड़ाए जा सकते हैं। तो इसी की सबसे पहली प्राइवेट फैक्ट्री सेटअप की गई है इंडिया की, कहां पे? कोटा में। पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा इंडिया की पहली प्राइवेट UAV फैक्ट्री कहां पे सेटअप की गई है, तो ये कोटा में की गई है। चलिए ये बताइए, इसी से मुझे कुछ याद आ गया, ये बताइए इंडिया का सबसे पहला नेशनल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे खोला जा रहा है, किस स्टेट में खोला जा रहा है? नेशनल ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर इंडिया का सबसे पहला कहाँ पे खोला जा रहा है? DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस मिसाइल को। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके तहत मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, इसमें इंडिया की तरफ से DRDO पार्टिसिपेट कर रहा है। तो DRDO इंडियन आर्मी ने सबसे पहली सुपरसोनिक ब्रह्मो मिसाइल को टेस्ट फायर किया है अंडर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन फ्रॉम दी उड़ीसा। अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की तो ये नाम कहां से आया? ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया की यानी ब्रह्म, और जो मॉस्कोब रिवर है रशिया की उससे मॉस, तो इससे इन दोनों शब्दों को मिला के ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया। ठीक है, ये जो मिसाइल है इसकी रेंज है 300 से 400 किलोमीटर, और ब्रह्मोस जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है आज के टाइम पर, वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, सो प्लीज डू रिमेंबर इट। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज पिच ब्लैक में पहली बार। तो पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा एक्सरसाइज पिच ब्लैक क्या है, ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करवाता है, पहली बार इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ये जो है वो 3 दिन का मल्टीनेशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो कि होस्ट की जा रही है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे क्या याद रखना है? एक्सरसाइज पिच ब्लैक। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2018 शुरू होंगे जुलाई 28 से अगस्त 11 तक। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं रशिया के द्वारा,
करवाए जाते हैं रशिया के द्वारा हर साल, ठीक है, ये हर साल होते हैं। इसमें 28 कंपटीशन होंगे इस बार और 7 कंट्रियां पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कौन सी कंट्रियां? अर्मानिया, अजरबैजान, बेलारूस, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान और रशिया। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स को कौन ऑर्गेनाइज करवाता है हर साल? रशिया। 7 कंट्री इस बार पार्टिसिपेट कर रही है, 181 टीम्स होंगी और 32 कंट्रीज आएंगी यहां पे। बस इतना याद रख लेना। तो ये हो गए हमारे सारे करंट अफेयर्स डिफेंस से। एक बार रिवाइज करवा देता हूं आज हमने क्या कवर किया। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2018, एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में हमने बात की, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जाना हम लोगों ने, हमने बात किया इंडिया की पहली प्राइवेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल फैक्ट्री कहां पे स्टेब्लिश की जा रही है, उसके बाद हम लोगों ने बात की इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट जो कि जाएगा पहली बार पार्टिसिपेट करेगा रिमपैक एक्सरसाइज में, हम लोगों ने बात की आईएनएस श्रीखंड जो कि गुडविल विजिट पे गया था, हमने आज बात की पैड एबॉट टेस्ट के बारे में और केयर प्रोजेक्ट ऑफ इसरो के बारे में, उसके अलावा हम लोगों ने आज बात की तेजस जो तेजस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है फाइटर एयरक्राफ्ट उसके बारे में। तो इसी के साथ हमारी सारी डिफेंस की न्यूज़ेस भी समाप्त होती हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने 4 पार्ट कवर किए, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। डोंट फॉरगेट टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच आई आस्क्ड ड्यूरिंग दी लेक्चर। उसके अलावा दोस्तों इस लेक्चर को रिव्यू करके मुझे बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, शुड आई कंटिन्यू विद दिस सीरीज और शुड आई स्टॉप इट। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ सीखा भी होगा। दोस्तों अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उसके अलावा अगर दोस्तों कोई क्वेरी आती है तो प्लीज आप मुझे इस ईमेल आईडी पर या इस मोबाइल नंबर पर फोन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी भी किसी दोस्तों को, किसी फ्रेंड्स या किसी को व्यूअर को प्राइवेट वीडियोस देखने में के बारे में नहीं पता कि उनको कैसे देखना है, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे देखनी है, तो वो लोग मुझसे इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, मैं उनको इन वीडियोस का एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों इस लेक्चर को रिव्यू करना ना भूलें कि ये बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा या फिर इसमें मुझे और क्या ऐड करना चाहिए। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी पेशेंटली। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन दस विदानिया।